नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे थे पंचम पाठ है पंडिता रमाबाई, ठीक है, कि उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए कैसे कैसे कार्य किए। उन्होंने अपना जो स्वयं का जो जीवन है, पूरा जीवन स्त्री शिक्षा को और उनकी स्थिति को सुधारने में लगा दिया, अपना जीवन अर्पित कर दिया, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे उनके पिताजी ने भी समाज की कितनी प्रताड़ना सही, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी थी, ठीक है। उनके पिताजी का देहांत हो जाता है, उनकी बहन का देहांत हो जाता है, किससे हो जाता है, दुर्भिक्ष से, दुर्भिक्ष अर्थात अकाल से। फिर उनका विवाह होता है, अपने पिताजी और बहन का देहांत होने के बाद वो पैदल यात्रा करती हैं, पूरे भारत की पैदल यात्रा करती हैं, और यात्रा करते करते वो कहाँ पहुँचती है, कोलकाता पहुँचते हैं, और वहाँ पे उनको संस्कृत भाषा की जान ज्ञाता होने की वजह से उनको वहाँ पे पंडिता और सरस्वती आदि जो उपाधियाँ हैं उनसे विभूषित किया जाता है, और वहाँ पे वो ब्रह्म समाज से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, और वहाँ वो वेदों का अध्ययन करती हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, वो स्त्री शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारंभ करते हैं। फिर 1880 में विपिन बिहारी दास के साथ में उनका विवाह होता है, और 1.5 वर्ष के अंतराल में ही उनके पति का भी निधन हो जाता है। फिर वह अपनी पुत्री मनोरमया के साथ में अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में आ जाती है, और वहाँ पर नारियों की शिक्षा के लिए और उनके सम्मान के लिए अपना जीवन पूरा अर्पित कर देती हैं, और हंटर शिक्षा आयोग के समक्ष नारी विषय की, नारी शिक्षा से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत करते हैं वो। फिर वहाँ से उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वो कहाँ चली जाती है, इंग्लैंड देश चली जाती है। वहाँ वो किससे प्रभावित होती है, ईसाई धर्म से प्रभावित होती है, क्योंकि स्त्रियों के विषय में उनके कुछ उत्तम विचार होते हैं, तो उनसे वो प्रभावित होती है। उसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई कहाँ चली गई, अमेरिका देश चली गई, ठीक है। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायता अर्थम अर्थ संचयम अकरोत। वहाँ वो क्या करती हैं कि भारत की जो विधवा स्त्रियाँ होती हैं उनकी सहायता के लिए वह धन का संचय करती है, अर्थात धन इकट्ठा करती है, किया अकरोत किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत। भारत वापस आकर के, भारत में कहाँ वापस आती है, मुंबई नगर में, और वहाँ वो क्या स्थापित करते हैं, शारदा सदनम अस्थापयत। वहाँ पे शारदा सदनम का स्थापना करते हैं। अस्मिन आश्रम में, इस आश्रम में निसहाया स्त्रिये निवसन्ति स्म है। इस आश्रम में बेसहारा, निसहाया बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं है, जो बिल्कुल भी निसहाय है, वो स्त्रियां निवास करती थी। तत्र स्त्रय मुद्रण टंकण काष्ठकला आदिनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म है। वहाँ पे स्त्रियाँ क्या करती थी, मुद्रण यानी छपाई, टंकन अर्थात टाइपिंग, काष्ठकला आदि यानी लकड़ी पे जो कला उकेरी जाती है, कुछ चित्र वगैरह बनाए जाते हैं, उसको काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण भी, अपि प्रशिक्षणम, अपि यानी प्रशिक्षण भी प्राप्त करने का लाभ वो लेती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु यह जो सदन है, इदम यह सदनम, यह जो उन्होंने सदन की स्थापना करी थी, वो पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, पुणे नगर में ट्रांसफ़र हो जाता है, वहाँ पे स्थानांतरित हो जाता है। ततः पुणे नगरस्य समीपे केड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। पुणे नगर के समीप जो है केड़गांव है, उस स्थान में मुक्ति मिशन के नाम से उन्होंने एक संस्थान स्थापित किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रे सहसम्मानम जीवनम यापयन्ती। वहाँ पे जो है निराश्रित बेसहारा, जिनका कोई आश्रय नहीं है, वैसी स्त्रियाँ अपने सम्मान के लिए जीवन यापित करती है। आज भी वहाँ पे अपने सम्मान के लिए स्त्रियाँ वहाँ जीवन यापन करती है। 1922 तमे ख्रिस्ताब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का क्या हो गया, निधन हो गया। सा देश
विदेशानाम अनेकाशु भाषाशु निपुणा आसित। वह जो है देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण हो गई थी निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। यानी समाज सेवा तो उन्होंने करी थी, समाज सेवा में तो उनकी विशिष्टता थी ही थी, लेकिन उसके अतिरिक्त उसके अलावा लेखन क्षेत्रे यानी लेखन लिखने की कला में भी लिखने के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू वुमेन इति तस्या प्रसिद्धम रचना द्वये वर्तते। यानी स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन ऐसी दो उनकी प्रसिद्ध रचनाएं भी थी। ओके, अब है इनके शब्दार्थ। परितज्जे छोड़कर, ठीक है, अध्यापयत पढ़ाया, प्रताड़नाम ताड़ना यानी प्रताड़ित करना टॉर्चर करना, असहत सहन किया, स्वमातु अपनी माता से विपन्न निर्धन गरीब, दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल पीड़ित, दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए, उपाधिभ्याम उपाधियों से प्रारब्धवती आरंभ किया, सार्धिक वर्षात डेढ़ वर्ष, प्रत्यागच्छत लौट आई, प्रति प्लस आगच्छत लौट आई, अर्थ संचयम धन का संचय, प्रत्यागत्य लौटकर, प्रति प्लस आगत्य दो शब्दों से मिलकर बना है, मुद्रणम छपाई, टंकणम टंकण टाइपिंग, निराश्रिता बेसहारा, निर प्लस आश्रिता, यापयंती बिताते हैं या बिताती है, अवदानम यानी योगदान। ठीक है, ये हैं अभ्यास कार्य। एक पदेन उत्तरत पंडिता सरस्वती इति उपाधि भ्याम का विभूषिता, पंडिता और रमा, पंडिता और सरस्वती इति ये जो उपाधियां हैं इनसे कौन विभूषित हुई, तो किसको मिली थी ये उपाधियां, पंडिता रमाबाई। कौन थी पंडिता रमाबाई? रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, यानी किसने रमाबाई ने किससे अपनी कहाँ से अपनी संस्कृत शिक्षा प्राप्त की, स्व मातु, कहाँ से करी, स्व मातु। ठीक है, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत, रमाबाई ने किसके साथ में विवाह किया, किसके साथ में विवाह किया, विपिन बिहारी दासेन सह विवाहम अकरोत, किसके साथ किया, विपिन बिहारी दास के साथ में। कांचा शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, हिंदी में आप बताइए किन की शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जो जीवन है अर्पित किया, स्त्री शिक्षाए यानी स्त्रियों की शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया। ठीक है, फिर है रमाबाई उच्च शिक्षात कुत्र अगच्छत, रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई, पुत्र अगच्छत यानी कहाँ गई, इंग्लैंड, इंग्लैंड देशात। ठीक है, इंग्लैंड देश में गई थी ना, तो ये जो सारे शब्द मैंने आंसर के बताए ये आपकी बुक में जहाँ मैंने चैप्टर पढ़ाया है पूरा वहाँ पे मिल जाएगा ये शब्द, और मैं बोल भी रही हूँ आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये जो है क्वेश्चन जो है प्रश्न निर्माण करने वाले हैं कि ये उत्तर दिए हुए हैं इनसे हम प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रश्न निर्माण वाला बताया है मैंने, प्रश्न निर्माण के लिए आपको किम के शब्द रूप अच्छे से आने चाहिए तभी आप प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, रमायाः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत, रमा के पिताजी ने समाज की प्रताड़ना को सहा, तो किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहा, किसके, है ना, ऐसे प्रश्न बनेगा ना, तो किसके, कश्यः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत, रमायाः की जगह क्या आ जाएगा, कश्य, क्योंकि प्रश्न यही है कि रेखांकित पदानि, रेखांकित पदों को आधार मान के आपको प्रश्न निर्माण करना है। फिर है पत्युः मृणान्तरं रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, पति की मृत्यु के बाद में रमाबाई महाराष्ट्र लौटकर आ गई, तो क्या बनेगा, किसकी मृत्यु के उपरांत रमाबाई महाराष्ट्र लौटकर आ गई।
पत्युः मरणान्तरं रमाबाई महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्, यानी पति की मृत्यु के पश्चात रमाबाई कहाँ चली गई, कहाँ आ गई लौट करके, महाराष्ट्र। तो यह उत्तर है। तो प्रश्न किस कैसे बनेगा, किसकी मृत्यु के बाद में, है ना, किसकी। तो किसकी के लिए संस्कृत में शब्द है कश्य, पुल्लिंग के लिए पूछा जा रहा है, यानी उसके पति पुल्लिंग थे ना, सबके पति पुल्लिंग ही होते हैं, मतलब पुल्लिंग के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कश्य मरणान्तरं रमाबाई महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्, फिर है रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत, रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना करी। तो कहाँ करी, कहाँ के लिए संस्कृत में कुत्र, तो रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थापयत, यानी रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन की स्थापना करी या की। 1922 तमे ख्रिस्ताब्दे रमाबाई महोदया दयाया निधनम अभवत, है ना, 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया, ठीक है। तो किस क्वेश्चन बनेगा, 1922 ईस्वी में किसका निधन हो गया, तो किसका के लिए, स्त्रीलिंग के लिए हमें उत्तर देना है। तो स्त्रीलिंग का किम शब्द का रूप क्या आएगा, कश्यः, 1922 तमे ख्रिस्ताब्दे कश्यः निधनम अभवत, अर्थात 1922 ईस्वी में किसका निधन हुआ। स्त्रिये शिक्षां लभन्ते स्मः, स्त्री शिक्षा का लाभ प्राप्त करती थी। तो कौन लाभ प्राप्त करती थी, कौन करती थी, कौन के लिए, स्त्रीलिंग का शब्द कौन सा आएगा, काहा, काहा स्त्राम स्त्री काहा शिक्षां लभन्ते स्मः, स्त्रिये की जगह क्या आ जाएगा, काहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है हम अगले वीडियो में करेंगे, आप इतने अपनी फेयर नोटबुक में कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों फेयर नोटबुक में कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी फेयर नोटबुक में करना है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 बुक में ही करना है, और फिर जो 6 क्वेश्चन है वह भी आप नोटबुक में कर सकते हैं, ठीक है, वो आगे की वीडियो में मैं आपको करवा दूँगी। ओके, बाय, थैंक यू।